नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे अच्छे टॉपिक पे। जी हाँ साथियों, इंडिया का पासपोर्ट से रिलेटेड भी बात करेंगे। आप कितनी कंट्रीज में फ्री ऑफ कॉस्ट में जा सकते हैं ऑन अराइवल वीजा में। जी हाँ साथियों, और 2021 में किसका पासपोर्ट पावरफुल रहने वाला है, पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। 3 से 4 मिनट का वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप अगर किसी कंट्रीज में जाते हैं तो आपको क्या फायदा इसमें हो सकता है और आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड से इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं साथियों। 2021 की एक लिस्ट आ चुकी है जिसमें ये पता चल सकता है, वो लिस्ट को देखने के बाद में, कि भाई कौन सी कंट्रीज के पासपोर्ट पावरफुल है, कौन सी कंट्रीज, कितनी कंट्रियों में वो लोग बिना वीजा के जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, उनको ऑन अराइवल वीजा या फिर वीजा लेने की जरूरत भी नहीं होती है। इंडिया का इसमें कौन सा स्थान है, पाकिस्तान वगैरह सब कंट्रीज की हम बात करने वाले हैं। तो बता दूं 2021 की जो पावरफुल कंट्रीज में, भैया पहले भी पिछली बार भी आपको पता है जापान ही था, इस टाइम भी जापान का नंबर वन है 191। जी हाँ साथियों, 191 यानी 191 कंट्रीज में वो लोग बिना पासपोर्ट बिना वीजा के जा सकते हैं, सबसे पावरफुल पासपोर्ट इसमें माना गया है। अगर भारत की बात करें इसमें तो 85वां नंबर यानी 85वां नंबर इसमें आया है। जी हाँ साथियों, अगर चीन की बात करें तो 75वां नंबर है, चीन से हम 10 कदम पीछे ये मान के चल सकते हैं। और पाकिस्तान की बात करें तो जो लास्ट में उससे 4 कदम ऊपर है सिर्फ। दूसरे और तीसरे नंबर पे जो कंट्रीज रही हैं पासपोर्ट के मामले में, उनसे उनकी बात करें, इसके बाद दूसरे नंबर पे सिंगापुर है। जी हाँ, 190 कंट्रीज में बिना वीजा के वो लोग वहां के जा सकते हैं। तीसरे नंबर पे कोरिया और जर्मनी है, जो 189 देशों में बिना वीजा के वो लोग जो जा सकते हैं ऑन अराइवल वीजा सहित। जी हाँ, इटली, फिनलैंड, स्पेन, लग्जमबर्ग ये चौथे नंबर पे हैं, यानी 189 के बाद में इनका चीन 4 कंट्रीज का नंबर है। उसके बाद में बात करें पांचवें नंबर पे डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। जी हाँ साथियों, ये पांचवें नंबर पे रहे, ये लोग सबसे उसके बाद में अन्य कंट्रीज में जा सकते हैं बिना वीजा के। अब बात कर लेते हैं साथियों, पासपोर्ट की रैंकिंग क्यों जरूरी है, पासपोर्ट की रैंकिंग से क्या फायदा होता है और ये एक देश की अच्छी रैंकिंग क्या महत्व होता है, इसका हम बात करते हैं। मैं बता दूं साथियों, जितना जिस कंट्रीज के पासपोर्ट की वैल्यू ज्यादा होती है, इसका मतलब वो समझ सकते हैं वो कंट्री के लोग सबसे ज्यादा देशों में जा सकते हैं, उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं वीजा से रिलेटेड। जी हाँ साथी, ऑन अराइवल वीजा या उनको वीजा लेने की जरूरत भी नहीं होती है। और इसका सीधा सीधा अगर फंडा ये अपनी भाषा में समझें तो, यानी जितने लोग एक कंट्री पे ज्यादा विश्वास करते हैं वो उनको फ्री वीजा देते हैं। सबसे ज्यादा जापान के लोगों पे वो लोग ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, 191 कंट्रीज। जी हाँ साथियों, अगर इंडिया की बात करें तो 58 कंट्रीज ऐसी हैं जो भारत के लोगों पे विश्वास करती हैं, उनके ऊपर मतलब कोई उनके नजरें गलत नहीं होती है अगर नॉर्मल भाषा में बात करें तो। इसलिए 58 कंट्रीज हमारे हम पे विश्वास करती हैं, वो हमें या तो ऑन अराइवल वीजा देती हैं या फिर बिना वीजा हम उस कंट्रीज में जा सकते हैं। भारत के नागरिक 58 कंट्रीज में जा सकते हैं। जी हाँ साथियों, यानी 58 यानी पिछले से 2 रैंकिंग अभी इंडिया की डाउन हुई है, बढ़ी नहीं है। जी हाँ साथियों, डाउन हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे कि भाई बिना वीजा के आप कौन कौन सी कंट्री में जा सकते हैं वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। चीन के नागरिक 75 कंट्रीज में वो लोग जा सकते हैं बिना वीजा के, उनको वीजा की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इंडिया के 58 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। आप लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से। एक भूटान है सबसे नंबर 1 पे, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया।